मैरीगोल्ड तो हम लेके आ जाते हैं, बट ऐसी मिस्टेक्स हम कर देते हैं जिससे हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं देता है, एक फ्लावर देकर ही वो मर जाता है, सूख जाते हैं उसकी सारी पत्तियाँ। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लाए हैं, तो वीडियो एंड तक देखिए और इन्जॉय करिए। अब सबसे पहली बात, मैरीगोल्ड को आप यहाँ पर फ्री में भी ग्रो कर सकते हैं और बीज खरीद कर भी ग्रो कर सकते हैं। फ्री में ग्रो करेंगे तो फ्लावर का साइज थोड़ा छोटा होगा, और अगर बीजों से ग्रो करेंगे तो इनका फ्लावर का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। हेलो जी, आए कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है हमारे फ्रेश न्यू वीडियो के अंदर। यहाँ पर दोस्तों विंटर्स आ चुके हैं, तो मैरीगोल्ड उगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक गार्डनर लवर के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इसी के ऊपर है, बहुत सारे मैरीगोल्ड ग्रो करेंगे। अच्छा, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, क्योंकि हमारे वीडियो आप तक तभी आएंगे जब नोटिफिकेशन बेल ऑन होगा। ठीक है, मिस्टेक नंबर वन जो आप करते हैं वो है बीजों का सिलेक्शन। यहाँ पर दोस्तों आपको आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से ही बीज सेलेक्ट करने हैं, तो लोकल स्टोर पर जाइए और अच्छी क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करिए। अगर आप खरीद रहे हैं तो नियरली 20 से 30 रुपीज में आपको एक पैकेट मिल जाएगा। बीजों के पैकेट के ऊपर ही उनकी क्वालिटी लिखी होती है, तो आप वहां से उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो मैरीगोल्ड के प्लांट पूरे इंडिया में इजीली ग्रो हो जाते हैं, बट आप देखिए अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है तो कोशिश करिए आपके लोकल मैरीगोल्ड ही ग्रो करें। फ्लावर से भी मैरीगोल्ड इजीली ग्रो करा जा सकता है, बट सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि फ्लावर को डायरेक्टली हम ग्रो कर देते हैं। आप कोशिश करें बेस्ट क्वालिटी के फ्लावर लें, लोकल स्टोर पर आपको इजीली 10 रुपीज़ के मिल जाएंगे, और इनको 2 दिन तक आपको ड्राई करना है सन के अंदर, उसके बाद ही इनको ग्रो करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो फ्लावर को सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करना, तभी आपके मैरीगोल्ड बहुत अच्छे हैं और हेल्दी ग्रो होंगे। कुछ फ्लावर से ही 20-25 दिनों में आपको इतने सारे मैरीगोल्ड के प्लांट मिल जाएंगे कि आप इनको रीसेल भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत सारे गमले हैं तो एक एक दो दो प्लांट आप लगा दीजिए। दूसरी मिस्टेक आप करते हैं, आप अपने सीड्स को डायरेक्टली बड़े बड़े पॉट में ग्रो कर देते हैं। नहीं, आपको छोटे छोटे सीडलिंग ट्रे में आपको सबसे पहले मैरीगोल्ड के सीड्स लगाने हैं और उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मैरीगोल्ड के लिए ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं मैरीगोल्ड के प्लांट को तो डेफिनेटली आपको बहुत छोटे छोटे फ्लावर मिलेंगे। मैरीगोल्ड सीडलिंग को मॉइस्ट सॉइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो पानी अच्छे से दीजिए और प्लांट को कुछ दिनों के लिए छाया में रखिए, और उसके बाद आप देखिएगा आपको बहुत सारे फ्लावर मिलने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद आपके मैरीगोल्ड के प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक और मिस्टेक होती है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैरीगोल्ड में दोस्तों पिंचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप सीजर लीजिए या फिर अपने हाथों से ही उसके टॉप पार्ट को पिंच कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर मल्टीपल शूट्स निकलेंगे और मल्टीपल शूट्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल फ्लावर मिलेंगे। फर्टिलाइज़र देना अगर भूल रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। नंबर 4 हमारा मिस्टेक यही है, अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो आपको प्लांट फ्लावरिंग नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको किस तरह से फर्टिलाइज़र देना है और किस प्लांट को कितनी बार देना है, तो यहाँ पर अगर प्लांट की एज 3 to 4 months है तो उस 3 to 4 months में आपको 5 to 6 टाइम फर्टिलाइज़र देना है। हमारे मैरीगोल्ड प्लांट का लाइफ स्पैन 3 to 5 months है, तो यहाँ पर आपको नियरली 5 to 6 टाइम इसमें फर्टिलाइज़र डालना है, जिससे ये अपने मैक्सिमम फ्लावरिंग पर आ जाए। पिंचिंग का आप रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 कलियाँ रेडी है खिलने के लिए, और नीचे की तरफ छोटी छोटी 3 to 4 कलियाँ और रेडी है खिलने के लिए। एंड फाइनली हमारे पास बहुत सारे मैरीगोल्ड के फ्लावर आने लग गए। मिस्टेक नंबर 5, पॉट रिक्वायरमेंट फॉर योर मैरीगोल्ड प्लांट। यहाँ पर दोस्तों मैरीगोल्ड प्लांट एक छोटा प्लांट है जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर 8 से 10 इंच मैक्सिमम रहता है, इससे ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं देना है और इससे छोटा भी नहीं देना है। आप एक बड़े पॉट में मल्टीपल मैरीगोल्ड ग्रो कर सकते हैं और टाइम टू टाइम उनमें फर्टिलाइज़र डालते रहें। मैं वर्मी कंपोस्ट और DAP और NPK फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ इनकी मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए। नर्सरी से अगर आप मैरीगोल्ड लेके आते हैं तो वो 2 महीने के लिए ही आपके पास रहने वाला है, तो 2 महीने में आपको 4 बार उसमें फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है, और अगर खुद ग्रो कर रहे हैं तो 3 to 5 टाइम आप उसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मिस्टेक नंबर 6, मैरीगोल्ड के प्लांट को अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो उसका फ्लावर पूरी तरह से खिलने ही नहीं देगा, छोटे में ही बंद हो जाएगा और प्लांट बहुत जल्दी मर भी जाएगा। इसलिए मैरीगोल्ड को आपको फुल सनलाइट में रखना है ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके और अपने फ्लावर को जितना बड़ा वो खिला सके खिलाए, और बैकएंड में जितनी भी कलियाँ हैं सारी की सारी उतनी ही बड़ी खिले। मिस्टेक नंबर 7, प्लांट सेलेक्शन। अगर यहाँ पर आप डैमेज या फिर
ऐसा प्लांट सेलेक्ट करके लेके आएंगे जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो वो बहुत जल्दी मर भी जाएगा और फ्लावरिंग उसकी क्षमता बहुत कम होती है, तो अब वो कम फ्लावरिंग भी देगा। तो प्लांट ऐसा लाना है जिसमें सिंगल फ्लावर हो या डबल फ्लावर हो और उसकी एज कम हो, मतलब हाइट हेल्थ थोड़ी सी कम हो, वो वाला प्लांट ज़्यादा सर्वाइव करता है। यहाँ पर दोस्तों मैरीगोल्ड बहुत सारे कलर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंगल कलर सेलेक्ट नहीं करना है, जितने भी आप कलर ला सकते हैं लेकर आइए और उनके सीड्स आप सेव कर सकते हैं, एक साल के बाद आप उनको रीग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इस फ्लावर के सीड को सेव कर रखा था और इसे ग्रो किया। और ये रही आपकी लास्ट मिस्टेक, जो आप सोचते हैं कि प्लांट ग्रो नहीं होते हैं और ये रहा उसका रिजल्ट, आप देख सकते हैं हमने सीड स्प्रिंकल करे हैं और सारे के सारे रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट ग्रो हो चुके हैं। पॉट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको मिनिमम 4 आवर की सनलाइट मिले, इससे प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होंगे और आपको मल्टीपल फ्लावरिंग देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट के ऊपर अभी शाम हो चुकी है, फिर भी इसके ऊपर सनलाइट आ रही है। एंड ये रहा इसका रिजल्ट। हालांकि प्लांट बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं एक पॉट के अंदर, इनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत कम मिल रहा है। आप कितना भी कोशिश करें ज़्यादा फर्टिलाइजर देने का, बट एक लिमिटेड सॉइल में आपको यही मिलता है। प्लांट हमारे आउट ऑफ शेप जा रहे हैं, बट कम से ज़्यादा हमें बहुत सारे फ्लावर भी तो मिल रहे हैं, तो आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके पास एक ही पॉट में मल्टीपल फ्लावरिंग होगी। अगर आप शैम्पू स्प्रे या फिर कोई भी नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं मैरीगोल्ड प्लांट के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि मैरीगोल्ड प्लांट के ऊपर जनरली कोई भी इंसेक्ट अटैक होता नहीं है। अगर हो भी रहा है तो वो ज़्यादा प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बड़े बड़े इंसेक्ट को तो आप मैनुअली ही रिमूव कर पाएंगे। अगर एफिड्स या फिर ट्राइप्स या फिर स्पाइडर माइट का अटैक हो रहा है तो उस ब्रांच को आप सीधा कट करिए। मैरीगोल्ड की ब्रांच पर एक बार अटैक स्टार्ट हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस ब्रांच को आपको सेव नहीं करना है, उसकी जगह आप न्यू ब्रांच ग्रो कर लीजिए, बट उन अटैक्स को आप तुरंत रिमूव करें। इसमें एक नॉर्मल वाटर स्प्रे का यूज़ करिए, कोई भी केमिकल मत यूज़ करना। अब एक और मिस्टेक हम रखते हैं कि हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट को छोटे पॉट में एक ही प्लांट ग्रो करेंगे या मल्टीपल ग्रो करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं तो डेफिनेटली आप मल्टीपल प्लांट को ग्रो कर सकते हैं एक छोटे पॉट के अंदर। हमने मैरीगोल्ड टावर में ग्रो करा था और एक टावर की ट्रे के अंदर काफ़ी कम स्पेस होती है, बट यहाँ पर आप रिजल्ट देख के शॉकिंग रह जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर फर्टिलाइज़र का बिल्कुल ध्यान रखा और हमारे सारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। फाइनली ये रहा हमारा रिजल्ट, हमारे सारे प्लांट में काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल फ्लावरिंग आ रहे हैं और हमने ये रेड कलर वाले मैरीगोल्ड सेलेक्ट करे थे, तो इनमें क्या बंच में बहुत सारे फ्लावर आते हैं और प्लांट की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये रहा ब्यूटीफुल सा रिजल्ट। एक टावर में बहुत कम स्पेस होती है बट हमारे यहाँ पर फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो रही है और हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी नज़र आ रहे हैं। मैरीगोल्ड में नीचे की तरफ जितनी भी लीफ होती है वो नीचे की तरफ सूखने लग जाती है, बट ऊपर की तरफ आपका प्लांट हरा भरा रहेगा और फ्लावरिंग देता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़े रहना।